चैप्टर वन चल रहा है, लास्ट लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ स्फेरिकल शेप के क्वेश्चंस करवाए थे और इसके बाद एक और वीडियो भेजा था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है आपने देखा होगा। पढ़ना है आपको जितना मैं भेज रहा हूँ, इसी स्टैंडर्ड से पढ़ाई करनी है, बोर्ड का ही होता है स्टैंडर्ड, आपको पढ़ना है, नहीं आया तो मुझसे पूछना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। संडे को मैं जूम क्लास लगाऊंगा डाउट सेशन के लिए, तो आपको प्लीज अपने जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं कलेक्ट करके रखा करो, उस टाइम मत ढूंढा करो, लेकर आया करो जूम सेशन में। तीन एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के, दो मैं करा चुका हूं, तीसरा मैं कराने जा रहा हूं। पहला एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन वायर एट डिस्टेंस आर, गॉस थ्योरम लगाने के लिए सिलेंडर से बंद किया था, याद होगा आपको। दूसरा था हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल विद चार्ज, चार्ज सरफेस पे आता है, बताया था मैंने, और क्वेश्चंस वगैरह भी कराए थे। तीसरा है लास्ट है ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट शीट, अगर आपके पास कोई शीट है, दिस इज अ शीट, शीट जैसे देखो ना, कोई मेटल की शीट, अरे आपकी जो कॉपी का जो पेज है वो तो शीट ही है, वो पेपर शीट है, उसी तरह मान लो कोई मेटल की शीट है और आपने उसे चार्ज दिया, तो चार्ज कहां पे आएगा, पूरे सरफेस पे आएगा, आ गया शीट है तो इस तरह इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, पूरे सरफेस पे आ गया, तो इंटेंसिटी निकालनी है, तो शीट की वजह से इंटेंसिटी इधर भी होगी और इधर भी होगी, दोनों तरफ ऐसे शीट है ना, तो इधर भी इंटेंसिटी होगी, इधर भी होगी, दोनों तरफ होगी, दिख रहा है सामने वाला बच्चा, तो पीछे सरफेस पे भी है, तो मान लो हमें आर डिस्टेंस पे यहां पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एट डिस्टेंस आर, सामने इधर भी दोनों तरफ होगी, ध्यान रखना इधर भी होगी इंटेंसिटी और इधर भी होगी, हमें क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बताना, कि कभी भी शेप वाली बॉडी के चलते हम निकालते हैं, चाहे वो थिन वायर हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, चाहे वो शीट हो, अगर शेप वाली बॉडी है तो मुझे गॉस थ्योरम को ही अप्लाई करना पड़ेगा, और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, याद है ना, पहले उस बॉडी को पूरी तरह से क्लोज करना पड़ता है बाय अ सरफेस विच इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। वायर के केस में हमने किससे बंद किया था वायर को, सिलेंडर से, इमेजिन किया था, स्फीयर में, स्फेरिकल चार्ज बॉडी में स्फीयर से ही किया था, ये तो पक्की बात है, शीट में फिर सिलेंडर लेंगे, याद रखना पेपर में सिलेंडर, तो फिर हमने सिलेंडर लिया, तो फिर सिलेंडर से बंद कर रहे हैं हम, अगेन सिलेंडर, यहां पर निकालनी है इंटेंसिटी, ठीक है, यहां पर सिलेंडर बना दो, ये बन गया सिलेंडर, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इंटेंसिटी यहां पर निकालनी थी, चार्ज प्लस है तो यहां की इंटेंसिटी यहां देखोगे तो एरिया वेक्टर पर इधर ही जाएगा और इंटेंसिटी भी इधर ही जाएगी, पॉजिटिव है तो अभी सिलेंडर में तीन फेसेस होते हैं, तीनों जगह इधर का एरिया वेक्टर तो इधर जाएगा, इंटेंसिटी अभी चार्ज तो पॉजिटिव पीछे साइड भी होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा ऊपर, सॉरी एरिया वेक्टर बोल रहा हूं, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, क्या जाएगा बच्चे, एरिया वेक्टर, इंटेंसिटी इधर होगी, इधर थोड़ी होगी एरिया वेक्टर। अब देखो फिर एंगल देखते हैं, ये वाला फेस ई के साथ जीरो डिग्री के एरिया वेक्टर, यहां पे ई और एरिया वेक्टर के बीच जीरो डिग्री, यहां पे कितना डिग्री, 90 डिग्री, राइट, इस सरफेस का एरिया वेक्टर जीरो डिग्री पे फील्ड के साथ, इधर का 90, क्योंकि फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, वायर में उल्टा था, वायर में फील्ड ऐसे जा रही थी तो ये जीरो था, ये दोनों 90 पे था, और यहां के सिलेंडर में ये दोनों जीरो पे, ये 90 पे, लगा दे कॉस थ्योरम, क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो प्लस ई डी एस कॉस जीरो प्लस इस फेस का फ्लक्स प्लस इस फेस का फ्लक्स प्लस इस फेस का फ्लक्स, ई डी एस कॉस 90 इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस 01 कॉस 01 कॉस 90 जीरो, तो ये तो मिला के सेम आ गया, डबल हो जाएगा, 2 ई डी एस इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो खत्म हो गया ना कॉस 90 की वजह से, कॉस 01 कॉस 0 में मिला के 2 ई डी एस डबल। अब मुझे बताओ, यहां पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, ध्यान से वीडियो देखना, ये जो डीएस है कौन सा एरिया बचा, कर्व एरिया बचा या सर्कुलर बचा, कर्व तो बचा नहीं, ये तो सर्कुलर पे आ रहा है, कर्व वाला तो 90 डिग्री पे खत्म हो गया, तो खत्म ही हो गया मामला, जो 0 डिग्री पे है वो सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर एरिया होता क्या है, सर्कल का एरिया अगर बड़ा करोगे, मान लो ये डीएस इंटीग्रेट होगा, पूरा सर्कुलर फेस का एरिया आएगा तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस,
पाई आर स्क्वायर में है, सर्कल के एरिया में पाई आर स्क्वायर में आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस। तो रेडियस के लिए मुझे ये चाहिए, क्या ये पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता? शीट इनफिनाइट है, कितना बड़ा सर्कल बनेगा किसी को नहीं पता। पाई आर स्क्वायर में ये आर अलग है यार, ये आर तो डिस्टेंस है शीट सिर्फ पॉइंट का, बट हमें जब इंटीग्रेट करेंगे तो सर्कल के एरिया में हमें तो ये वाला चाहिए आर रेडियस। तो सर एरिया तो होगा बट हमें उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे इसका रेडियस पता नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, वैल्यू ना लिखे सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म ए बी प्रॉब होगा। वैल्यू ना लिखना मेरी मजबूरी इसलिए है कि सर्कल का जो रेडियस हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता? तो शीट काफी बड़ी है, इनफाइनाइट शीट का डायमेंशन को दे रखा नहीं है, समझो। तो डीएस वैल्यू के ना लिखकर सिंबल में लिखकर छोड़ दिया जाए, याद रखना ये। अब बोलो सर आर है तो सर, अरे आर रेडियस थोड़ी है, आर तो शीट से उस पॉइंट की दूरी है। अब बताना टू क्या हो गया, ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने ये लिख दिया। तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद है आपको कि चार्ज पर यूनिट एरिया क्या बन जाता है, सिग्मा। कोई भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे स्फीयर के ऊपर हो चाहे शीट के ऊपर हो, जहां चार्ज सरफेस पे बटेगा वहां चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा लिख सकते हैं। तो चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा, तो क्या गया सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, लिख रहा है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, ध्यान देना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये है फॉर्मूला इंटेंसिटी का, किसकी वजह से, शीट की वजह से। तो कभी भी शीट की वजह से इंटेंसिटी पूछे आर डिस्टेंस पे तो सिग्मा चाहिए बस। अच्छा अब मुझे बताओ मेन पॉइंट, क्या इंटेंसिटी में वो आर आ रहा है फॉर्मूले में, क्या वो दूरी आ रही है जहां पे हमें निकालना था, हमें निकालना था शीट की वजह से आर डिस्टेंस पे, लेकिन फॉर्मूले में आर कहां आया, यानी ये पहली ऐसी सिंगल बॉडी है जिसकी इंटेंसिटी पोजिशन पे डिपेंड नहीं करती, कि जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसकी दूरी क्या है, नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन। तो पेपर में ऐसे भी आता है कि शो कीजिए कि शीट की इंटेंसिटी उस पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती जहां पे इंटेंसिटी निकाला गया है। तो अगर मान लो अगर ग्राफ बनाने को आ गया किसके साथ, ई का ग्राफ मान लो किसके साथ आ गया, आर के साथ, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ई आर पे डिपेंड कहां कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो आर आप कितना भी बढ़ाओ, डिस्टेंस कितना भी बढ़ाओ घटाओ, इंटेंसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ये जो मैंने पढ़ाया बच्चे, ये मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट, तीनों एप्लीकेशन हो गए, पहला वायर का था, दूसरा हॉलो स्फीयर का था, तीसरा शीट का था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, डीएस ये एरिया आ रहा है, इस एरिया में रेडियस नहीं पता है तो सिंबल नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन हो गया, ला फिनिश हो गया तीनों एप्लीकेशन। अब बच्चे इसके अंदर अब मैं एप्लीकेशन खत्म कर चुका हूं, ध्यान रखना एप्लीकेशन मैं फिनिश कर चुका हूं। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछूंगा, मान लो मैं आपको दो शीट दे दूं, एक शीट में अब रिलेशन नहीं है, रिलेशन तो खत्म हो गया, अब एप्लीकेशन है। मान लो आपके पास दो शीट है, जस्ट एक एग्जांपल, ठीक है, कितने शीट है बच्चे, दो शीट है, दो शीट में इसके पास सिग्मा, इसके पास सिग्मा, मतलब तो अब सिग्मा, दो शीट है दोनों के पास बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, जो चार्ज इसके पास उतना ही चार्ज इसके पास, जितना चार्ज पर यूनिट एरिया जितना डिस्ट्रीब्यूशन इतना इसमें हुआ है उतना ही इसमें हुआ है, अलग शीट नहीं, एकदम सेम शीट है। तो बताओ जब दो शीट होगी तो आपके पास तीन जगह बनेगी, एक तो जगह बीच में बनेगी दोनों शीट के, और एक जगह, एक जगह दो तरह की जगह, एक तो प्लेस होगा बिटवीन द शीट, और दो प्लेस होंगे आउटसाइड द शीट, एक इधर और एक इधर, राइट। तो दो शीट पे होगी तो दो शीट की वजह से इंटेंसिटी कहां कहां पे होगी, एक तो बिटवीन द शीट होगी और आउटसाइड द शीट, और इधर भी आउटसाइड द शीट। अब मान लो दोनों सिग्मा से, दोनों की अपनी अपनी इंटेंसिटी होगी, अब वो भी बराबर ही होगी, मैग्नीट्यूड में बराबर ही होगी ना, क्योंकि दोनों में सिग्मा सेम है। अब अगर यहां पर निकालना है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, वही अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इसकी इंटेंसिटी यहां पर क्या होगी, अवे फ्रॉम द बॉडी, ई मान लो। अब इसकी इंटेंसिटी यहां पे देखनी है, ये भी प्लस है, तो इसका भी यहां पर इसकी इंटेंसिटी भी, इससे क्या होगी, अबे अबे ई क्यों मानेंगे, क्योंकि दोनों में सिग्मा सेम है तो ई की वैल्यू भी सेम आए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहां पे निकालना था, इसका भी यहां पे अबे, इसका भी यहां पर अबे, दोनों का अबे हो गया, यहां पर निकालना है। चलो तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का क्या हो जाएगा, अबे अबे फ्रॉम द बॉडी, अबे फ्रॉम द बॉडी, यहां पर भी देखो अबे फ्रॉम द बॉडी, अबे फ्रॉम द बॉडी, E and what? Tell me.
तो जब दो शीट लोगे तो कितनी सतह की जगह बनेगी, दो तरह की जगह बनेगी, एक तो बिटवीन द शीट बनेगी और एक आउटसाइड द शीट, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई बिटवीन द शीट इंटेंसिटी क्या होगी इस केस में, तो दोनों अपोजिट है, दो वेक्टर जब अपोजिट हो जाए तो कैसे निकलता है नेट, ई माइनस ई अपोजिट कट के क्या आ गया जीरो, फिनिश राइट। चल आउटसाइड द शीट, आउटसाइड का मतलब समझ में आ रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ इधर देखो या इधर देखो, दोनों फील्ड एक ही तरफ गई है तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ई प्लस ई, लेकिन आगे भी प्लस माइनस लगाते हैं क्यों, होगा तो इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, पर चूंकि लेफ्ट साइड जा रहा है इसलिए नेट में माइनस लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे, बीच में कैसे लगाएंगे, जा तो रहा है एक ही तरफ ना, लेकिन नेट में चूंकि राइट है तो ये प्लस में नेट दिखा देना और लेफ्ट है तो माइनस में दिखाना, होगा तो प्लस में ही बीच, बस ओवरऑल माइनस कर देते हैं, तो क्या आया बताओ, प्लस माइनस टू ई, और एक शीट का मैंने क्या बताया था इससे पहले वाला जो एप्लीकेशन था क्या था याद करो, एक शीट का अभी पढ़ाया सिग्मा बाई कितना टू एप्सिलॉन नॉट, तो टू और टू कट गया तो क्या आ गया प्लस माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप दो शीट लोगे और दोनों शीट सेम डायमेंशन का, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज का, सेम सिग्मा का, तो बीच में इंटेंसिटी नहीं होगी शीट के बीच में, नो फील्ड जीरो नो लाइंस, पर बाहर साइड इतनी होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उधर की तरफ प्लस में दिखा देना, इधर ओवरऑल लेफ्ट जा रहा है तो वही वैल्यू बट माइनस में ले लेना, ठीक है। अब मान लो मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, एक प्लस था ना, अब इसको मैंने माइनस कर दिया, मतलब इसका मतलब समझाना क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया बच्चे अब कि अभी भी दोनों के पास जो चार्ज है वो सेम है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सेम शीट, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन नेचर अलग है, एक के पास प्लस आ गया तो एक के पास माइनस आ गया, तो आप जानते हो ना प्लस की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज और निगेटिव की टूवर्ड्स द चार्ज, तो जरा मुझे बताओ ध्यान से बताना, जैसे यहां पे निकालनी है तो इसकी अवे फ्रॉम द बॉडी, इसकी यहां पर टूवर्ड्स द बॉडी, देखो इसकी यहां पे देख रहे हैं ना, तो इसकी अवे फ्रॉम द बॉडी अवे, इसकी टूवर्ड्स द बॉडी इधर ही चला जाएगा, यहां पे देखो इसकी अवे फ्रॉम द बॉडी, इसकी टूवर्ड्स द बॉडी, यहां पे देखो यहां पे इसकी अवे फ्रॉम द बॉडी, इसकी टूवर्ड्स द बॉडी, हो गया। तो अब क्या हुआ बच्चे, जरा सोच के बताना, बिटवीन आप शीट के बीच में एक तरफ आ गया दोनों एक ही तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा ई प्लस ई, यानी कि टू ई, ई की वैल्यू वही रखोगे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां अपोजिट है आउटसाइड देखो आप, यहां देखो आउटसाइड देखो आप, आउटसाइड अब अपोजिट आ रहा है फील्ड ई माइनस ई कट के जीरो, उल्टी कहानी हो गई, यहां बीच में फील्ड आ गई बाहर जीरो हो गई, और वहां जब दोनों में सेम सिग्मा था सेम साइन के साथ तो बीच में जीरो थी बाहर साइड थी, वहां बाहर साइड वैल्यू आ रही थी बीच में नहीं थी, यहां बीच में वैल्यू आ रही है बाहर साइड जीरो हो जा रही है, क्या फील्ड, ठीक है। ये तो पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी अवे फ्रॉम दी चार्ज बॉडी और नेगेटिव की टूवर्ड्स द चार्ज बॉडी, उसी हिसाब से दिखा देना। अब चूंकि दोनों में सिग्मा का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए ई वन ई टू थोड़ी मान लेते, तो ई और ई मान के चलेंगे ना, ई वन ई टू कब मानते हैं, जब सिग्मा वन सिग्मा टू अलग अलग होता तो ई की वैल्यू भी अलग अलग होती, सिर्फ नेचर बदला है वैल्यू तो वही है, ठीक है बच्चे। तो इस केस में प्लस और माइनस हो सिग्मा बराबर चार्ज बराबर अमाउंट बराबर डायमेंशन, तो बीच में इंटेंसिटी आ जाती है इस वैल्यू के साथ और बाहर साइड जीरो हो जाती है। तो ये सब जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये सब एप्लीकेशंस थे और ये खत्म हो चुके हैं एप्लीकेशंस किसके, गॉस थ्योरम के। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, मान लो मैंने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आया है कि दो शीट है, नोट्स में भी है करना, आपके पास दो शीट है, ध्यान देना बेटा, इफ यू हैव टू शीट्स, और कुछ ऐसा है कि दो शीट में ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, You have two sheets, plus sigma, बराबर चार्ज बराबर सिग्मा बट नेचर अपोजिट। अब इसके बीच में, अच्छा इसके बीच में फील्ड बनेगा, बनेगा ना, तो शीट के बीच में फील्ड बनता है ना, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव, तो इधर से इधर होगा नेट फील्ड, ई जो नेट होगा वो इधर होगा दोनों के बीच में, जो भी ई ई नेट जो भी बोलो। अब बताओ इसके बीच में एक मास है, हवा है, जो दो शीट है इसके बीच में एक मास है बॉडी, इसका मास क्या है एम, और इसके पास चार्ज भी है, चार्ज भी है, ध्यान रखना मास है और चार्ज है, और ये हवा में लटक रहा है,
दोनों शीट के बीच ये मास हवा में लटक रहा है, तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, कोई चीज हवा में कब लटकती है, कोई चीज हवा में हैंग कब करती है बेटा, जब उसके वेट को कोई संभाले। तो बताओ इस मास को अगर देखोगे तो नीचे mg काम करेगा वेट, और हवा में लटकने के लिए mg के अगेंस्ट में फोर्स आना चाहिए, आएगा। बॉडी के पास चार्ज भी है और शीट के बीच में फील्ड भी है, तो फोर्स याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, याद भूल गए क्या, q into e। अगर कोई चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी फील्ड में आ जाए तो फोर्स फील करता है q into e, चार्ज है वहां पर की फील्ड, तो चार्ज है ही है और वहां पर फील्ड नहीं है, दो शीट के बीच में फील्ड होती है तो q e। फिर ये पूछा था कि बताइए ये चार्ज का नेचर क्या होगा, ये मास के बाद जो चार्ज है वो प्लस होगा या माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा। क्यों माइनस क्यों होगा, प्लस क्यों नहीं होगा, मैं बताऊं। हवा में लटकने के लिए mg के अगेंस्ट में फोर्स आना चाहिए, mg के अगेंस्ट का मतलब क्या, mg नीचे तो क्यू ही ऊपर, तो ऊपर फोर्स ऊपर चाहिए और फील्ड नीचे है, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज ही तो फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करता है। फिर से सुनो, हवा में लटकने के लिए mg को बैलेंस करना है वेट को, mg नीचे है तो हर हाल में एट एनी कॉस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर चाहिए और फील्ड है नीचे, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के अपोजिट चाहिए, तो कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फील करता है, जो चार्ज नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। बस अब बताओ क्यू ई बराबर, अब नेगेटिव का मतलब नेगेटिव थोड़ी रखेंगे, फोर्स वेक्टर है ना, साइन थोड़ी कंसीडर करेंगे, सिर्फ लिख देंगे चार्ज का नेचर नेगेटिव है। तो अब क्या करेंगे, हवा में है तो क्यू ई बराबर एम जी, और अभी दो मिनट पहले, दो मिनट भी नहीं हुआ है, दो शीट के बीच मैंने क्या कहा था, एक प्लस है और एक माइनस है, तो बीच में फील्ड हो जाती है, बाहर साइड नहीं होती, अब बीच में फील्ड का क्या फॉर्मूला दिया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, एम इंटू जी, सिंपल। चार्ज दे रखा है, इस सवाल में नोट्स में देखना, चार्ज गिवन है, मास गिवन है, पूछा था सिग्मा निकालो, शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो। तो इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या था वो समझ में आ गया, दो शीट के बीच में एक हमने बॉडी रखा था जिसका मास थे, इसके पास मास भी है चार्ज भी है, और वो बॉडी हवा में लटक रही है, तो एक तो बताना था कि शीट की सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल सिग्मा है वैल्यू बताओ, और वो जो आपने मास दिया है उसके पास चार्ज का नेचर बताओ। तो फील्ड चूंकि प्लस से माइनस का फील्ड नीचे आती है, प्लस से माइनस आएगी, दो प्लेन है दो शीट के बीच, प्लस से माइनस ऊपर से है ना, ऊपर से नीचे आएगा, और फोर्स फील करना है उसको ऊपर, तब प्लेन जी को संभालेगा, तो कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के, कोई भी चार्ज, फिर से सुनो, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के अपोजिट कब फील करेगा, जब वो चार्ज नेगेटिव होगा, तो ये चार्ज नेगेटिव होना पड़ेगा, क्यों, फील्ड जा रही है नीचे, प्लस से माइनस, और फोर्स फील करना है ऊपर, तो बैलेंस कर दो, ई को खोल दो, दो शीट के बीच में जो ई का होता है सिग्मा आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखना, मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल्स कराऊंगा, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल से वो कराऊंगा, चैप्टर एंड हो चुका है, बस दो चार बचे हैं, कर लो। एक सवाल है, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे एनसीईआरटी में भी है 1.10 में, कि दो प्लेट है, प्लेट प्लस है, प्लेट माइनस है, हा? और इसके अंदर तीन चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लस से माइनस है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी दोनों प्लेट के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस, और कोई भी चार्ज पार्टिकल आए तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक। तो देखो ये दो चार्ज पार्टिकल, ये भी पाथ, सब तीनों के तीनों पैराबोलिक में है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट और सेकेंड जो है वो फील्ड के अपोजिट गया है, फील्ड नीचे है प्लस से माइनस, बट ये दोनों पार्टिकल ऊपर गए हैं, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड नेचर वाइज नेगेटिव है, फील्ड के अपोजिट कौन चलता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो फोर्स ही फील करता है फील्ड के अपोजिट। लेकिन जो थर्ड बॉडी है, थर्ड चार्ज बॉडी है, वो जो फील्ड नीचे है तो उसका पैराबोला भी नीचे ही बना है, इसका मतलब फोर्स भी उसने नीचे फील किया है, इट मींस थर्ड जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव ही फील्ड के डायरेक्शन में पैराबोला बनाता है या फोर्स फील करता है। हो गया, पहले तो बताना था कि नेचर बताओ, वो बता दिया, फिर बताओ डायग्राम देख के ज्यादा पैराबोला किसका है, देखो ये ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये दोनों का कर्व उतना नहीं है, इसका पैराबोला ज्यादा है, तो इसका मतलब थर्ड में मोर डिफ्लेक्शन। और मैंने पढ़ाया था, याद करो पुराने नोट्स में देखना, कि डिफ्लेक्शन जिसमें मैक्सिमम होगा तो समझो उसका चार्ज और मास का जो रेशियो होगा वो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन डिसाइडेड बाय द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। तो यही बताना था कि बताइए तीनों में से ज्यादा चार्ज और मास का रेशियो मैक्सिमम किसका होगा, थर्ड का होगा, और नेचर बताइए, ये दोनों नेगेटिव और ये थर्ड का नेचर पॉजिटिव।
ठीक है, ये पढ़ा था मैंने, डिफ्लेक्शन हमेशा चार्ज और मास के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका डिफ्लेक्शन, यहां डिफ्लेक्शन ज्यादा कम, वैल्यू से नहीं पता चल रहा है, डायग्राम देख के पता चलेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट, एक चार्ज है माइनस टू क्यू, वो कहां है, ए जीरो कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस पे है, ए दूरी पे। दूसरा चार्ज है क्यू, क्यू उसका क्या कोऑर्डिनेट है, फोर ए जीरो, तो ओरिजिन से ज्यादा दूर कौन हो गया, ये वाला फोर ए डिस्टेंस पे। पूछा है फ्लक्स निकालो एक स्फेरिकल सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, जिसका रेडियस 3a है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, रेडियस 3a है, 3a, तो 3a वो a और 4a के बीच में है। हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, हम जो मान लो हमने जो बनाया 3a रेडियस का एक गॉसियन सरफेस, देखो 3a रेडियस का, तो 3a a से ज्यादा है और 4a से कम है, मतलब इस सरफेस के अंदर क्या चार्ज बंद होगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस टू क्यू, लेकिन जो क्यू है वो तो बाहर ही रहेगा। क्यों बाहर रहेगा, क्योंकि क्यू की दूरी 4a है और जो हमें सरफेस बनाना है उसका रेडियस 3a है, इसका मतलब ये जो है वे इस सरफेस से बाहर रहेगा। तो इस रेडियस का जो अगर आप निकालोगे फ्लक्स, तो इसके अंदर सिर्फ माइनस टू क्यू ही बंद रहेगा, तो फ्लक्स विल बी माइनस टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर बोला है अब बताओ उस गॉसियन सरफेस का जिसका रेडियस कितना है 5a, पहले 3a था 5a, तो जब रेडियस बेटा 5a बनाओगे, अब मान लो इसका रेडियस 5a हो गया, तो ये दूरी तो 4a थी और रेडियस सिर्फ 5a है, 4a से भी बड़ा है, तो इसके अंदर माइनस टू क्यू के साथ साथ अब क्यू भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी 4a है और हम जो सर्फेस बना रहे हैं उसका रेडियस 5a है, तो रेडियस ज्यादा हो गया, सर्फेस बड़ा हो गया, वो भी चार्ज अंदर आ जाएगा, तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, दोनों को लेके चलो माइनस टू क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में, ठीक है। तो देखना है जिस रेडियस का है, अगर उस रेडियस सरफेस के अंदर दोनों आ रहे हैं, दोनों को लो, एक छूट जा रहा है तो जो अंदर आ रहा है उसी को लो। अब बच्चे कुछ कॉन्सेप्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे करवाऊंगा, ये तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से होता है, अगर डायपोल का बनाना है तो कैसे बनाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे है ना, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, सेंट्रल लाइन, बाकी सब कर होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देख रहे हो, और लाइंस के बीच में गैप बराबर है, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान है, यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट, और अगर गैप कहीं ज्यादा कहीं कम है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान है, याद रखना ये बात को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाओ तो बना के दिखा देना, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, एक चार्ज है क्यू, उसके सामने एक प्लेट है P1, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, उसके सामने प्लेट है P2, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो लाइंस का डायग्राम बनाना है, बहुत सिंपल, प्लस से निकलकर माइनस में जाएगा, यहां प्लस से इधर से निकलकर इधर जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, जो बॉडी शेप वाली होती है, जिसका सरफेस होता है, उसमें लाइंस आए या जाए सरफेस के परपेंडिकुलर, तो देखो इससे निकलकर लाइंस इधर जा रही है क्योंकि ये माइनस है, पर जाएंगे तो हर जगह किस पे, 90 पे, यहां इससे निकल के जा रही है तो इससे भी निकलेंगे तो कैसे, 90 से। पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी बॉडी सरफेस वाली होती है ना बेटा, तो हर जगह से लाइंस आएंगी या जाएंगी वो तो डिपेंड करेगा प्लस माइनस पे, लेकिन आना जाना जो भी होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब पॉइंट चार्ज है तो वहां तो एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, चाहे निकल रहा हो तो एक ही पॉइंट से निकलेगा, अब मर्ज करना है तो एक ही पॉइंट पे मर्ज करेगा, लेकिन अगर शेप है तो हर जगह से दिखाना पड़ेगा और सब जगह परपेंडिकुलर ही रखना पड़ेगा, देख रहे हो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, हर जगह सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखो, एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर चार्ज प्लस है तो शेप वाला, लाइंस क्योंकि प्लस है तो जाएंगी, लेकिन किसी भी पॉइंट पे दिखाओगे आना जाना वो सब उस जगह क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, हर जगह परपेंडिकुलर, सरफेस के हर जगह परपेंडिकुलर। सिलेंडर हो जैसे माइनस है तो क्या हुआ, लाइंस आएंगी, लेकिन आना आएंगी कहीं पर भी आएंगी तो हर जगह परपेंडिकुलर। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई भी शेप वाली बॉडी होती है तो फील्ड लाइंस चाहे मर्ज करे बाहर जाए या आए, सब होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। सारे एग्जांपल में देखा आपने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाए ये एंड पे था, ये मैंने करवा दिए। फिर नोट्स में देखना दो तीन और कॉन्सेप्चुअल्स हैं, वो भी बता दूं मैं। वो कॉन्सेप्चुअल्स बेटा वो तो आपको मैं बता चुका हूं कि एक कॉन्सेप्चुअल आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेट है, स्ट्रेट, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर उस फील्ड में ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो वो उसके पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है, स्ट्रेट नहीं, कर्व है, कर्व, तो याद रखना उस केस में वो फील्ड लाइंस किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल
के पाथ को रिप्रेजेंट उस फील्ड में नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल का फील्ड में पाथ रिप्रेजेंट करते हैं? बोलना नहीं। अगर स्ट्रेट लाइंस हैं तब तो रिप्रेजेंट करेगा, और लाइंस अगर कर्व है फील्ड लाइंस तब वो उस मूविंग चार्ज पार्टिकल का उस फील्ड में पाथ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक और कॉन्सेप्ट सुनो, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। अगला है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो भी बोलो बात एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल के फोर्स का मूविंग चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन का शो करते हैं, बट डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को नहीं शो करते। सुनो ध्यान से फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन दैट फील्ड, बट इट डजंट शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। याद रखना, वेलोसिटी के डायरेक्शन को शो नहीं करते, ठीक है? इसका कॉन्सेप्चुअल याद रखना, ठीक है? लास्ट कॉन्सेप्चुअल वो भी करा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखा हर जगह सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये पहले भी बता चुका हूं, फिर से सुन लो क्यों होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होगा, मान लो किसी एंगल पे हुआ, एक एग्जांपल, तो उस जगह ई के दो कंपोनेंट्स होंगे, दो होंगे। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पे ऐसे हैं, जिसके दो पार्ट टूट जाएंगे, एक उस जगह सरफेस के परपेंडिकुलर पार्ट, एक अलोंग द टेंजेंट पार्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी मैंने क्या कहा, पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो कोई भी चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल का अलोंग द टेंजेंट, मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज है, तो अलोंग द टेंजेंट मोशन कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन एनी पर्टिकुलर सरफेस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बिकॉज इफ द लाइंस विल नॉट बी परपेंडिकुलर, इफ द लाइंस विल बी एट सर्टेन एंगल, इट मींस फील्ड विल बी ऑल्सो एट सर्टेन एंगल, क्योंकि लाइंस ही फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। इन दैट केस वी विल हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, वन टेंजेंशियल कंपोनेंट, वन नॉर्मल कंपोनेंट, एंड वी नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वही है, तो उनके उनका मोशन अलोंग द नॉर्मल तो हो सकता है, मीडियम में तो हो सकते हैं, लाइन्स मीडियम में जाती हैं, पर अलोंग द टेंजेंट कभी मूवमेंट उस इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी किसी भी पॉइंट पे किसी एंगल पे नहीं हो सकते, जब भी होंगे तो नॉर्मल होंगे, एंगल पे होंगे तो दो कॉम्पोनेंट ब्रेक होगा, तो इधर भी पाथ बनेगा, इधर भी पाथ बनेगा, टेंजेंशियल पाथ पॉसिबल नहीं है। तो बेटा मैंने जो छोटे मोटे बचे हुए सवाल थे बहुत अच्छे से करा दिया, चैप्टर 1 फिनिश हो गया, लेक्चर 15 में बहुत डिटेल में कराया, टाइप ए टाइप बी असाइनमेंट है वो आपको दिया है, और एमसीक्यूज दिए हैं मैंने, तो एमसीक्यू के मैं सॉल्यूशंस आज शाम तक भेज दूंगा, जितने आंसर्स हैं फिर उसके डिटेल में सॉल्यूशन देखूंगा मैं, क्या कितना करना है करवा दूंगा। बट अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर 16 वो चैप्टर 2 का होगा, नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस बीच में एक तो संडे को जूम क्लास होगी, मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, उस जूम क्लास में टाइमिंग में आज शाम में या कल तक मैं डिसाइड करके बता दूंगा। आप लोग प्लीज अपने लेक्चर्स, अपने जितने लेक्चर्स हमने कराए हैं उससे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक जगह नोट कर लो, और मुझसे संडे को पूछना, ये नहीं कि आप आ गए आपको पता ही नहीं आपको क्या पूछना है, जूम क्लास में ऐसी मिले रख रहा हूं कि आपके प्रॉब्लम्स का डाउट सॉल्व कर सको, तो लेकर आना, जो भी दिक्कत है फटाफट हो सके तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप में दे देना, ताकि मेरे पास फोन हो, मैं फटाफट आपके प्रॉब्लम बैच वाइज सॉल्व कर दूं, वरना उससे पूछोगे ढूंढोगे टाइम वेस्ट होता है, जैसी मर्जी, बट संडे इट विल बी द टोटल प्रॉब्लम क्लास, डिस्कशन क्लास। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर जाएगा नेक्स्ट चैप्टर का, चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आपके एमसीक्यू के सॉल्यूशंस मैं भेज रहा हूं बहुत जल्दी, आप इस वीडियो को देखो, इसको नोट्स बनाओ, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।